किस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं और इस बालक के जन्म की खबर ऋषि आशित को जाकर के लगी जो हिमालय पर रहते थे। अपने भांजे नालक को साथ लेकर के आ गए। कपिल वस्तु में महाराज की राजधानी में जैसे ही आए महाराज ने सम्मान से उनको आसन दिया। ऋषि आशित बोले, हमने सुना है तुम्हारे यहां एक बच्चे का जन्म हुआ है। हां देव। बच्चे के दर्शन नहीं करवाओगे? क्यों नहीं देव। महाराज शुद्धोधन ने बच्चे को ऋषि आशित की गोद में रख दिया। ऋषि आशित और बच्चे को ध्यान से देखने लगे और ध्यान से देखते ही देखते ऋषि की आंख में आंसू आ गए। महाराज एकदम से कहने लगे, क्या बात है गुरुदेव, क्या ये बच्चा अशुभ है? ऋषि कहने लगे, ना ना, ये बालक तो बहुत ही शुभ है, विलक्षण घड़ी में पैदा हुआ है। फिर आपकी आंख में आंसू क्यों आए हैं देव? आंसू जानना चाहते हो राजन? हाँ, तो सुनो क्या बोले हैं ऋषि आशित। रोने का अब हाल ध्यान दे सुन ले महाराजा, क्या बोली? ए रोने का अब हाल ध्यान दे सुन लो महाराजा, ये चक्रवर्ती महाराज बनेंगे राजन के राजा। क्या बोले है ऋषि आशित? अगर ये घर को त्यागेंगे, ये करें बौद्ध प्रकाश जगत में धर्म चलावेंगे, बोले महाराज गुरुवर, इसमें जो है रोने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। ऋषि कहने लगे, सुनो बात यह है, देख हम कैसे पावेंगे, ए देख हम कैसे पावेंगे, इस देही को छोड़ न जाने कहां रम जावेंगी। इस तरह से ऋषि ने समझाया कि अभी बच्चे का जन्म हुआ है और ये बहुत बड़े संत बनेंगे और जब ही अपनी लीलाएं दिखाएंगे तो हम इस दुनिया से विदा हो जाएंगे, इसलिए हम इसकी लीला नहीं देख पाएंगे, इसलिए दुख हो रहा है। शुद्धोधन महाराज कहने लगे, गुरुदेव समय को कोई बांध नहीं पाया है, इसलिए यह समय का खेल है, लेकिन समय का एक तगाजा है, इस शुभ घड़ी के मौके पर आप बच्चे का नामकरण संस्कार भी कर दीजिए। आज महाराज के आग्रह करने पर ऋषि आशित ने बच्चे का नामकरण संस्कार किया और बच्चे का नाम सिद्धार्थ गौतम रख दिया। इधर में जन्म के 6 दिन बाद महामाया को गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। रानी ने बचने की उम्मीद ना समझकर महाराज को पास बुलवाया, बांदी को भेज दिया, कैसे भैया? आरी महामाया वही बीमार, महामाया वही बीमार, पति देव महल बुलवाई है। पिया को पास में बुलाकर के रानी बोली, दो कर जोरी कही यो वाणी, पिया मैं अब बच नहीं पाऊंगी, तो कर जोड़ी कही यो पानी।
पल भर शेष रही जिंदगानी। और क्या मेरो रखियो पुत्र समारी पति देव महल बुलवाई है मां माया भई बीमारी पति देव महल बुलवाई है। इस तरह से आज पिया को समझाया कि पिया अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं इस संसार से कुछ ही क्षणों में विदा लूंगी, इसलिए मेरे बेटे को संभाल कर रखना। पास में ही छोटी बहन गौतमी खड़ी है, गौतमी का हाथ अपने हाथ में लेकर के आज आंखों में आंसू भर के महामाया बोली, ओ मेरी बहना सुन ले गौतमी, बोली है ओ मेरी बहना सुन ले गौतमी, ले ले गोद छैया अब तक मीरो लालू आज से तू जाकी मैया। ओ बहना कहा बोली बहना अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, समय भयो मेरो पूरन बहना ना बच पाऊंगी, ए पति से करना प्रेम परम सुख तब मैं पाऊंगी बहना। अपने हाथ में लेकर के और भैया जगदीश भैया पेड़ा वाले देखो आंख में आंसू गिर पड़े इनके भी। बहन क्या कह रही है, क्या तुम मन में सोच रही हो ओ मेरी बहना सेवा करूं कुमार की मैं निश्चिंत या बुर रहना। बहना मेरे कोख में भी एक बच्चा पल रहा है और अगर उसका जन्म होगा तो भी मैं वादा करती हूं कि अपने बेटे से ज्यादा प्यारा मैं तुम्हारे बेटे सिद्धार्थ को रखूंगी। अपने कुमार से यदि तो प्यार सिद्धार्थ को दूंगी और जहां पसीना गिरे बेटा पे खून बहाए दूंगी। तो लोगों आज देखिए गौतमी प्रजापति ने जैसे जो है सातवना दी तो महामाया ने अपने पांच तत्व के शरीर को त्याग दिया। सिद्धार्थ गौतम के ठीक एक महीने बाद गौतमी प्रजापति के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम नंद रखा गया। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। महाराज शुद्धोदन ने दोनों बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था की चटसार में भेज दिया, लेकिन ये तो भक्ति भाव में मगन रहते थे, कहां मन लग रहा है पढ़ने में, क्या कर रहे हैं पढ़ने लगे। कुमार सिद्धार्थ भेज दिया चट सार लगा मन इनका भक्ति में लाला योग समाज लगावे। लेकिन स्कूल के पढ़ने के बाद योग समाधि लगा लेते और समाधि में घंटों तक जो है
लीन हो जाते। सब मित्र विद्या सिखला मैं सीख ले तू पल पल में, 8 बरस के हुए कुमार मन लगा योग के बल में। आज मैया गौतमी देख रही है बेटे को, और जैसे योग समाधि में लगे हुए देखती तो वो ऋषि की बात याद आ जाती कि अब ये जरूर साधु बनेगा। क्या सोच रही है माँ? मात गौतमी सिद्धार्थ को देख देख घबरावे, अगर बने साधु तो फिर राजा कैसे बन पावे। दाग लग जावे हस्ती में, लाला योग समाधि लगावे लगा मन इनका भक्ति में, लाला योग समाधि लगावे। हाँ। इस तरह से जब महारानी ने देखा कि लड़का तो इस तरह से अगर चलता रहा तो साधु निश्चित रूप से बन जाएगा, महाराज से जाकर की शिकायत की कि महाराज लड़का तो आपका समाधि में मगन रहता है। महाराज शुद्धोदन कहने लगे कि ये बात तो मैं भी सोच रहा हूं, लेकिन बात यह है कि आखिर करें क्या। और देखिए, सोच विचार कर महाराज ने मंत्री को बुलवा लिया और आदेश दिया कि हे मंत्रीवर, हमारे कुमार को शिकार खेलने के लिए ले जाओ, शायद इनका मन बदल जाए। क्या किया देखिए महाराज ने। आरिंद्रप मंत्री लाई बुलवाई, सिद्धार्थ बन भिजवाई। खेलन चली शिकार हिरण एक घायल मगु में पाया है। चले जा रहे हैं, एक घायल हिरण दिखाई दिया, क्या किया? दयावंत ले दवा हाथ में, मरहम तुरत लगाया है। हिरण के घाव पर मरहम लगा दी और कहा भैया जाओ रक्षा करें जीव की ऊपरी करुणा बरसाई। नृप मंत्री तुरंत बुलाई, नृप मंत्री तुरंत बुलाई सिद्धार्थ।
सिद्धार्थ कहने लगे मैंने इसके प्राण बचाए हैं। लोगों झगड़ा हो गया, पंचायत में फैसला गया, पंचायत ने फैसला सिद्धार्थ गौतम के पक्ष में किया। आज सिद्धार्थ गौतम को बहुत हर्ष हुआ और देखिए ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। महाराज को खबर लगी कि अब ये बालक निश्चित रूप से सन्यासी बनेगा, क्या करें। इधर में महाराज दंडपाण ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रच दिया। किस तरह से भैया? दंडपाण ने रच दिया ए जी स्वयंवर अजब अनूप, खबर दई भिज बाई के बहाजुरे अनेको भूप। देश देश के राजाओं को न्योता भेज दिया और तमाम राजा वहां एकत्रित हो गए। महाराज शुद्धोदन के यहां भी वो निमंत्रण आया। महाराज शुद्धोदन कहने लगे कि मौका अच्छा है, मंत्री के साथ में सिद्धार्थ को उस स्वयंवर में भेज दिया। पहुंच गए, बखान होने लगा सभी राजाओं का। जिन यशोधरा का रच दिया रे स्वयंवर भैया भारी, जुड़ गए भूपय अनूप पांडे जी भीड़ हो गई अबारी। महाराज कुमार पति गौतम चुन लिया और मच गई हाहाकार सभा में भारी विघ्न भव। अब तो वीर उठी बहराई सभा में भपड़ परियो है भैया, वीर उठी बहराई सभा में भपड़ परियो है। एकदम से सभी राजा खड़े हो गए, लाल लाल आंखें करके तलवार हाथ में लेकर के बोले ए महाराज दंडपाण। क्या बोले हैं? अरे यशोधरा ने बरमाला जब और सिद्धार्थ को दई पहनाए, धनुष बाण ले उठे सूरमा और राजा से कहे सुनाए। हम स्वयंवर को शमशान बनाए दे खबरदार हो जाई, अरे बड़े बड़े भूप सभा में बैठे कैसे बिटिया दइए बिहाय। ये हमारी तोहनी है, अरे हम जैसे जो है धुरंधर राजाओं के बैठे हुए तुमने एक बच्चे के साथ में अपनी बिटिया का वरण कर दिया, ये नीति संगत नहीं है। आज हाथ जोड़ करके महाराज दंडपाण खड़े हो गए, आप लोग शांति का दान दें, हम लक्ष्य भेद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। और देखिए महाराज ने देखिए किस तरह की प्रतियोगिता रखी, एक खंबा बीच चौक में गड़वा दिया, उस खंबे के ऊपर में चक्की चल रही है और बीच में एक फूल लगा दिया और कहा कि इस गुच्छे में जो फूल लगा है उसको निशाना लगा करके जो कोई बाण से नीचे गिराएगा उसके लिए हम अपनी बिटिया का वरण करेंगे। चक्की चलत बीच गुच्छा में दिया सुमन लटकाई, फूल लगा दिया ए दिया सुमन लटकाई, जगदीश दिया सुमन लटकाई, चक्की ओ चक्की ए चक्की चलत बीच गुच्छा में दिया सुमन लटकाई। क्या हुआ? बड़े बड़े वीर जुड़े स्वयंवर में सुमन वेद नहीं पाया,
सिद्धार्थ गौतम ने समाप्त की, उसके बाद महाराज दंडपाल ने शादी कर दी। यशोधरा ने सिद्धार्थ को वरमाला पहनाई, और बहुत दान दे दंडपाल ने कन्या दैया पठाई। सैनिक ओ सैनिक हे सैनिक चलिए आज बिटिया यशोधरा की शादी सिद्धार्थ के साथ में कर दी। कपिल वस्तु में दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। इधर में 2 साल व्यतीत नहीं हो पाए लोगों, एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम राहुल रखा। इधर 20 साल की उम्र हो गई और शाक्यों का एक नियम था कि जो लड़का 20 साल का हो जाता था उसे संघ का सदस्य बनना पड़ता था। संघ के लोग पास में आए और देखिए क्या बोले, आरे संग की जनयाई हो, संग की जनयाई रिलय कुमार सदस्य बनाई, नियम सब समझाए हो संग की जनयाई। आज संघ के लोग आ गए और सदस्य बना लिया, सारे नियम समझा दिए और बोले कि संग में नितयाना हो, संग में नितयाना रे तन मन से सेवा करो, नियम सब अपनाना हो संग में नितयाना। समझाया कि संग में नित आना पड़ेगा, सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, और अगर पालन नहीं किया तो संघ की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ए संग चिन जावेगा ओ संग चिन जावेगा, जो हत्या चोरी और व्यभिचार कमावेगा ओ संग चिन जावेगा। साफ कह दिया कि अगर नियमों का उल्लंघन किया तो संघ की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और देखिए क्या हुआ, अरे भैया 8 बरस पूरे ना, अरे भैया 8 बरस पूरे ना, और झगड़ा बात बनी ना, कोई तय नहीं तो समझ है ना। आज 8 वर्ष पूरे नहीं हो पाए और शाक्यों और कोलियों में झगड़ा छिड़ गया। झगड़े का कारण क्या था जानते हो, सुनो। एक नदी रोहिणी बसती है, उस तरफ नदी के कोली हैं, इस तरफ नदी के बस रहे थे वो साख जनों की टोली है भैया, साख जनों की टोली है। शाक इधर कोली, बीच में नदी बह रही है, पानी के ऊपर विवाद हो गया। पानी के ऊपर दोनों में
खड़े हो गए, बोले मैं इस युद्ध से सहमत नहीं हूं। मंत्री कहने लगे तुम इस युद्ध से सहमत नहीं हो, क्या मतलब है? सिद्धार्थ बोले, सिद्धार्थ ने ऐलान किया से। भैया सिद्धार्थ ने कह दिया कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, इसलिए मैं इस युद्ध के खिलाफ हूं। इधर में संघ के लोगों ने कहा कि तुम्हें इसकी सजा जानते हो, यह राज्य को छोड़कर के जाना पड़ेगा। आज सिद्धार्थ देखिए क्या बोले, आरी हिंसा की लाखी बात कोरी भैया सोचरी गौतम भूत जी, हिंसा नहीं करूंगा, राज्य अगर छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ दूंगा। क्या बोले, योग साधना साधी कैरी भैया मन को कर ले सूद जी। हाँ, आज भैया रामलखन सिद्धार्थ रानी के पास में गई, यशोधरा के पास में, बोले सारी स्थिति बता दी। गई है नारी की पास मेरी जिनी कही है संघ की बात जी। सुना यशोधरा ने, बोली पिया अगर ये बच्चा नहीं होता तो मैं भी तुम्हारे संग में परवर्जक बन जाती। क्या बोली, यशोधरा सुनी बलमा की रे दो मिलती रही गई हाथ जी। भैया आज लोगों जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध राज्य छोड़ने के लिए तैयार हुए, सोचा मैया और पिताजी को अगर बताया तो ये बेहोश होकर के गिर पड़ेंगे, इसलिए बिना बताए चल दिए। चलने को जैसे ही आगे बढ़े तो मैया ने आके पीछे से हाथ पकड़ लिया, बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो बेटा? क्या बोली है, है जीवन सुना कुमर बिना बेटा बिना धीर धरू कैसे। आंखों में आंसू भर के आज मैया बोली, क्या बोली, ये राजपाट और धन दौलत भंडारे हैं, सब दुनिया की दौलत दिखे बेटा बिना सुन तुम्हारे हैं, छाया कुल में दीप जले कैसे। है जीवन सुना कुमर बिना बेटा बिन धीर धरू कैसे।
करने लगी तो सिद्धार्थ ने छाती से लगा करके बोला, मां क्यों रो रही हो? समझाने लगे हैं आज मैया को कैसे कि अब ना रोको, हे मैया अब ना रोको, ना रोको मेरी मैया, जाने दो, अब ना रोको, ना रोको मेरी मैया, जाने दो। मेरी मैया जाने दो, मेरी मैया जाने दो, अब ना रोको, ना रोको मेरी मैया, जाने दो, अब ना रोको, ना रोको मेरी मैया, जाने दो। क्या बोली? प्रकृति का है उछुल, जिंदगी का है ये मूल, सन्यासी बन जाना। प्रकृति का ये नियम है जगदीश, प्रकृति का है उछुल, जिंदगी का है ये मूल, सन्यासी बन जाना। और करता है जो ना भूल, बनता है जीवन फूल, सच को जिसने जाना। क्या अज्ञानों के दिलों में दीपक तो जलाने दो, अब ना रोको, ना रोको बन खड़ को जाने दो, अब ना रोको। हे मैया सुन रही हो ना मां, छोड़ मोह जंजीर, मिट दुख की लकीर, ये है झूठा नाता। भाई बहन बेटा नहीं कोई या किसी का, नहीं नहीं पिता और माता। ए राजेंद्र को भी आकर सन्यास दिलाने दो, अब ना रोको, ना रोको मेरी मैया, जाने दो, अब ना रोको, ना रोको मेरी मैया, जाने दो। मेरी मैया जाने दो, मेरी मैया जाने दो, अब ना रोको, ना रोको बन खड़ को जाने दो, अब ना रोको, ना रोको मेरी मैया, जाने दो। आज लोगों मैया को समझा करके और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अपना राजगृह त्याग दिया और जाकर के भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर के पहुंच गए और वहीं अपना जो है मुंडन करवा के परवर्ज के रूप धारण किया। आगे की कथा हम अगले वॉल्यूम नंबर 2 में सुनाएंगे। और अरे राजेंद्र सिंह है नाम हमारो, मर्दो नाम से लियो पहचान, पाती राम गुरु मेरे ने, मर्दो भर दो ज्ञान अघाए। राम सिंह मेरे भैया कही है सिमटा मधुर रही है बजाए, और बीरू पांडे जी ढोलक पे लंबे हाथ दी तो फटकारी। अरे कदम सिंह जी बांसी बारे मटकी मधुर तो रही बजाई, और पांडे जी है आगुरा वाले, बंटी भैया आगुरा वाले, मधुर रिकॉर्डिंग दई है कराए। कैसेट मधुर सुहानी बन रही है जे मुकेश सेन भैया की, कैसेट मधुर सुहानी बन रही है जे मुकेश सेन भैया